नमस्कार दोस्तों, आप सही हो तो गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं और आप गलत हो तो गुस्सा करने का कोई हक नहीं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशि पर में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 5 जून दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन से खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों को पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आयकर शंभू राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सूर्यदेव भगवान लिखें, सूर्यदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 5 जून 2022 दिन रविवार, आज की तिथि छठवीं, आज का नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:22 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:16 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है दोपहर 1:29 से दोपहर 2:38 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आप कुछ शुभ कर करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 10:01 से सुबह 11:10 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 5 और शुभ रंग है लाल और गुलाबी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से आप अपने आप को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। कोई चिट्ठी या ईमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगी। आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद आपका प्रिय आपके लिए खुशी के पलों को लाएगा। जो लोग घर से बाहर रहते हैं आज वो अपने सारे काम को पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह पर समय बिताना पसंद करेंगे। समय की कमी की वजह से आप दोनों के बीच निराशा या आपके मन में कोई भाव पनप सकता है। बच्चों के साथ समय का पता नहीं चलता, आज आप भी अपने बच्चों के साथ वक्त बिताकर यह जान पाएंगे। साथ ही आपको बताएं ऊर्जा और उत्साह का अतिरिक्त आपको घेर लेगा और आप सामने आने वाले सभी मौकों का भरपूर फायदा उठा पाएंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके लिए आज अच्छी नहीं है। आज के दिन आपको अपने धन को बहुत ही सुरक्षित रखना चाहिए। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। अचानक हुई रोमांटिक मुलाकात आपके लिए उलझन पैदा कर सकती है। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। दिन वाकई रोमानीय, बढ़िया खाने, महक और खुशी के साथ साथ आप अपने हमदम के साथ बेहतरीन समय बिता सकते हैं। आपका कोई दोस्त आज आपकी जमकर तारीफ कर सकता है। साथ ही आपको बताएं आज आप सामान्य दैनिक कार्यों को बुलाकर आनंद और प्रेम में खोए हुए रहेंगे। किसी पर्यटन स्थल पर जाने से मन अतिरिक्त प्रसन्न होगा। वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। पूर्व में की गई मेहनत का फल आपको मिल सकता है। कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। शाम तक पैसे की स्थिति में सुधार आएगा। आपका दिमाग काफी मुक्त रहेगा। आप दिखावे से प्रभावित हुए बिना सच्चे प्यार और सच्चे संबंध की तलाश में रहेंगे। नया कारोबार शुरू करने का मन बनेगा। अपने काम और शब्दों पर गौर करें क्योंकि आधारित आंकड़े समझने में आपको मुश्किल हो सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आज पिता या पिता समान लोगों की हर संभव सहायता करें। आज आपके जीवन साथी से आपको झूठ बोलना ठीक नहीं रहेगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने प्रिय को अपने घर वालों से मिलवा सकते हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अपने व्यवसाय को योजनाओं को किसी के भी सामने आपको शेयर नहीं करना चाहिए। किसी भी काम में पक्के बिल द्वारा ही आपको लेन देन करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। युवा वर्ग को मैनेजमेंट मजबूत रखना चाहिए। इस समय कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकता है,
आपको सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, नए क्षेत्रों में निवेश करने के लिए यह समय अच्छा है। सितारे आपको आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का मौका देंगे। इस समय कोर्ट कचहरी और विवाद की स्थितियां बनेंगी। इस समय इनकम टैक्स, सेल टैक्स, रॉयल्टी जैसी समस्या आपके सामने उलझ सकती है। प्रेमियों के दिल शुभ है, पार्टनर से सहयोग मिलेगा, आपके मूड से पार्टनर का मूड बनेगा। आज का दिन अच्छा बीतेगा, वह शर्तें आपको तनाव से दूर रहना चाहिए। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों का दिन शुभ है, अधिकारियों से आपको सहयोग मिल सकता है। इस समय शेयर या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिन शुभ है। आज आपको कहीं अचानक धन लाभ भी हो सकता है। साथ ही आपको बताएं, प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे। रिश्तों में किसी भी प्रकार की असहमति आसानी से आपके लिए सुलझ सकती है। परिजनों से सहायता तथा समर्थन प्राप्त होगा। कोई शुभ कार्य भी आज परिवार में आयोजित किया जा सकता है। आज आप नई ऊर्जा और उद्देश्य की भावना से अपने आप को प्रेरित पाएंगे। आप आकर्षण का केंद्र बनेंगे और आपकी कड़ी मेहनत के लिए यथोचित आपको प्रसन्नता भी होगी। अपने कार्य में आपको अनपेक्षित स्रोतों से सहायता प्राप्त हो सकती है। पदोन्नति अथवा वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। इस समय अपने व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत जीवन में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए आप विशेष रूप से प्रेरित हो सकते हैं। अपने जीवन में कुछ परिवर्तन और सुधार लेने की आपके लिए सख्त जरूरत है और आप महसूस भी करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आप अपने दोस्तों के साथ घूमने से मन को शांति व खुशी का अनुभव होगा तथा आपके परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि परिवार में कुछ मतभेद भी रहेंगे, इसलिए आज आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय अपने परिवार के लिए भी निकालें। इससे आपको खुशी का अनुभव होगा व आपके परिवार के सदस्य भी खुश रहेंगे। प्रेम संबंध में एक दूसरे का साथ बनाए रखें। साथ ही साथ पति पत्नी में विश्वासपूर्ण रिश्ता रहेगा, इसके चलते घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय श्रेष्ठ रहने की संभावना है। जीवन साथी के साथ आपके दिनों दिन उत्तम बने रहेंगे। साथ ही उन जातकों की बात करें जो अब तक सिंगल या अकेले हैं, तो उनके प्रेम जीवन में आज प्यार के प्रति किसी इंसान से मुलाकात हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही सही और उत्तम रहेगा तथा आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। साथ ही आप अपने आप को काफी तंदुरुस्त महसूस करेंगे। या दोस्तों आज का समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।